छतरपुर में सड़क हादसे में 45 वर्षीय युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। बता दें कि छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। एम्बुलेंस के जरिए युवक को जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों की मारपीट के बाद डॉक्टरों ने भी गुस्सा किया और कामकाज बंद कर दिया। इसके बाद एएसपी विक्रम सिंह और सिटी कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और डॉक्टरों को समझाइश दी। इसके बाद डॉक्टरों ने कामकाज शुरू कर दिया। एक एक्सीडेंट से एक मृतक आया था, जो उनके परिजन लेके आए थे जिला चिकित्सालय में। डॉक्टर ने देखा, उसकी ईसीजी करवाते हुए उनको समझाया परिजनों को कि ये मृत अवस्था में आपके द्वारा लाए गए हैं। पता चला कि मरीज के परिजन के साथ जो 4-5 लड़के और अन्य 10-12 लोग हैं, डॉक्टर ड्यूटी रूम में घुस करके और डॉक्टर के साथ अवध व्यवहार कहते हुए मारपीट की है। 7:30 बजे करीब एक मृतक को लेके काफ़ी सारे लोग आए, जिन्होंने आते ही साथ मुझसे बदतमीजी करने लगे। तो मैंने उनको समझाया, ईसीजी देख के उन्हें बताया कि अब ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उन्होंने हाथापाई चालू कर दी और उसके बाद गाली गलौज करने लगे और मैं अंदर अपने रूम में, डॉक्टर ड्यूटी रूम में चला गया। उसके बाद वो बाहर से फिर से वापस आए और मेरे ऊपर आके मारपीट करने लगे अंदर आके। देखिए, ये घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। अब मैं छतरपुर बस की बात ना करूं, मध्य प्रदेश और पैन इंडिया की बात करूं, तो आजकल डॉक्टरों पे हमले और डॉक्टरों पे इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। और कई बार प्रशासन को इस चीज़ से अवगत कराने के बाद में भी प्रशासन बिल्कुल नहीं इस ओर ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए सभी डॉक्टरों ने लामबंद होकर काम करना बंद कर दिया है। हमारी प्रशासन से अभी भी मांग है कि जो व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर के साथ में इस प्रकार की घटना घटित करी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में कुछ देर पहले पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव आए हुए थे और जो ड्यूटी डॉक्टर थे, उनके बीच कुछ इशू हुआ था और गंभीर मैटर था। इमीडिएट हमारे थाना प्रभारी आए और हमने इंश्योर किया है कि सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी FIR इसमें की जाएगी।